बोंजूर। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की क्लास का टॉपिक सबसे खतरनाक है। खतरनाक क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस टॉपिक में बच्चों को होती ही होती है। बहुत टाइम लगता है इस टॉपिक को मास्टर करने में, इस टॉपिक को परफेक्शन पे लाने में। इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक्सेल कर पाएंगे। और जब मैं इस वीडियो में आपको पार्ट्स में समझा रही हूँ, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके, तो जब पार्ट वन पे मैं आपको बोलूँ कि इसको याद कर लो, तो प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड लर्न इट देयर एंड देन। वीडियो खत्म करना एक ही बारी में इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक समझ आना ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या पोजे दे कहती हूँ या फॉर्मूले कहती हूँ, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तीनों का मतलब यही है कि आपको आंसर दिया होगा और आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब आंसर जैसे माय नेम इज मानसी, तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, व्हाट इज योर नेम। अब मैं बोलूं आई लिव इन दिल्ली, तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, वेयर डू यू लिव। अब आप भी कहेंगे मैम ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हमें आते ही है, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाओ ना। सारे लेवल्स पढ़ाऊंगी, बट अंडरस्टैंड कि करना क्या है। अब हमने देखा कि ऐसे हमें अगर बेसिक आंसर्स दिए हों तो हमें बेसिक क्वेश्चन फॉर्म करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। बट नाउ इफ द आंसर सेज माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम कनाडा, तो आपने एक क्वेश्चन क्या पूछा होगा, फ्रॉम वेयर इज योर फ्रेंड कमिंग। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई। My parents live in Pune. Where do your parents live? Right? तो अगर हमें आंसर पता हो, अगर हमें आंसर समझ आ जाए, तो क्वेश्चन फॉर्म करना मुश्किल नहीं है इंग्लिश में। ऐसे ही अगर हमें आंसर पता चल जाए, समझ आ जाए फ्रेंच में, तो क्वेश्चन फॉर्म करना भी मुश्किल नहीं है फ्रेंच में। Provided you should know some adverbs interrogative, les adverb and interrogative. What is interrogative adverbs? Interrogative adverbs इतना बड़ा शब्द है, लेकिन ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स। जस्ट लाइक इन इंग्लिश वी हैव क्वेश्चन वर्ड्स, हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, इनको हम कहते हैं लेज एडवर्ब एंड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स इन फ्रेंच। तो जैसे हमने इंग्लिश में भी तो याद किए हैं हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हेन को कैसे बोलते हैं अगर क्वेश्चन पूछना हो तो, सिमिलरली हम फ्रेंच में भी याद करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू फॉर्म द क्वेश्चंस इजीली। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज नोट देम डाउन एंड आफ्टर यू फिनिश्ड नोटिंग देम, आफ्टर आई फिनिश दिस पार्ट, स्टॉप द वीडियो, लर्न देम एंड देन मूव ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। हु इज की, व्हाट इज क, व्हिच इज केल और केल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसकी चार फॉर्म्स होती हैं। अगर नहीं आती तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। वेयर, हु, हाउ, कॉमा, व्हाई, पुरक्वा, हाउ मेनी, कॉम्बिया द, हाउ मच, कॉम्बिया, व्हेन, कौन। नाउ लर्न देम फर्स्ट, बिकॉज अगर ये याद हो गए तो हमारा आधा काम खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे चलेंगे। बट पार्ट वन का आपका टास्क यही है, पॉज द वीडियो, लर्न देम एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आपने सीखे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, द क्वेश्चन वर्ड्स। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस दे रही हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर ये फ्रेजेस यूज करने हो, At what time? Who is this? What is this? These are some ready-made questions जो आपको काफी help करेंगे इस concept में आगे बढ़ने में। Now, basic questions पे भी मेरी एक video है जिसमें मैंने सारे basic questions explain किए हैं। If you haven't seen it, I'll try to put the link somewhere here or down or in the description. Please do check out and let's start. What is this? What are these? कैसे से? Who is this? Who are these? Kies? At what time? A kel er. Now, at what time?
time will you return? तो अब आपको return का तो पता है क्योंकि return तो verb sentence में used है आपके answer में, but you forget कि at what time कैसे लिखेंगे. So I am giving you some ready-made questions. पहले part 1 के आपने words याद कर लिए, अब ये set of questions याद कर लो. Then we will attempt the questions. Sorry, then we will attempt the answers. Question तो हमने देने हैं. At what time आ कैल अर? What time is it? कैल अर एतिल. How is the weather? कैल तम फेटिल. For example, if the sentence says, it is hot in Delhi. So, कैल तम फेटिल आ Delhi. Of what color? Of the कैल कूलर. The dress is red. Her skirt is blue. So, if you want to ask of what color? So, the कैल कूलर is sa jupe. Of what color is her skirt? What is the profession of? Now, if the answer says his mother is a doctor. So, quelle est la profession de sa mère? What is the profession of his mother? So, ye sare ready-made questions aapko question forming mein help karenge. Please write these down and learn them right now, then move ahead. Now, after you've learned the question words of part 1 and the ready-made questions of part 2, let us try to attempt some answers and frame some questions. First, nous allons à Paris. Nous allons à Paris. We are going to Paris. What will be the question? Where are you going? So, where is où? Où allez-vous? Second, c'est mon frère. C'est mon frère. This is my brother. So question kya hoga? Who is this? Qui est? Third, elle va à la gare. Elle va à la gare. She is going to the station. Where is she going? Where kya tha? Où. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Next, mon père reste à Nice parce que il a du travail. Mon père reste à Nice parce que il a du travail. My father is staying at Nice because he has some work. So, why is your father staying at Nice? Pourquoi ton père? My father mein answer tha na, to question to your father mein banega. So, why is your father staying at Nice? Pourquoi ton père reste à Nice? Mon cousin est très sympa. Mon cousin est très sympa. My cousin is very kind. How is your cousin? Comment est ton cousin? Comment est ton cousin? Ce sont des tomates. Ce sont des tomates. These are the tomatoes. What are these? Qu'est-ce que c'est? Jack part à 6h du soir. Jack part à 6h du soir. Jack is leaving at 6 in the evening. So at what time is Jack leaving? À quelle heure Jack part-il? À quelle heure Jack part-il? Elle a deux frères. Elle a deux frères. She has two brothers. Now, how many brothers does she have? Yehi puchhenge na hum. Combien de frères a-t-elle? Combien de frères a-t-elle? Ma soeur nage très bien. Ma soeur nage très bien. My sister swims very well. How does your sister swim? Comment ta soeur nage-t-elle? How your sister swims? How does your sister swim? So I hope कि हमने कुछ questions attempt कर लिए हैं जिससे आपको काफी clarity मिली होगी. Please remember इस topic में mastery करने के लिए आपको practice की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कम से कम 40 to 50 आपको answers attempt करने होंगे जिनके आपको questions frame करने हैं. The answers will be different, varied अपने level के हिसाब से. आपकी जो भी book है उसके सारे answers at a time attempt करो and then see कि आपको कहाँ पे difficulty अभी भी आ रही है. और इस वीडियो से अगर ये टॉपिक में क्लैरिटी आई हो सो डू गिव अ थम्स अप
डू राइट इन द कमेंट्स बिलो. और अभी भी कोई डाउट बचा है तो भी डू राइट इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.